नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, और आशा करते हैं कि जो भी चीज़ हम बताए थे वो आप गेट बाय हर्ट यानी कि याद कर लिए होंगे। देखिए, मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 2 से 4 नंबर किसी भी कंपटीशन का क्लियर हो जाता है, चाहे वो SSC का क्यों ना हो, रेलवे का क्यों ना हो, BPSC का क्यों ना। जो आप मौलिक अधिकार पढ़ लिए आपका 2 से 4 नंबर क्लियर हो गया। कल हम आपको बताए थे समानता का अधिकार में, जो कि आर्टिकल 14-18 के अंतर्गत आता है। आज दूसरा हम बताने जा रहे हैं जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इस आर्टिकल को हम लोग संविधान का बैकबोन भी कहते हैं। बैकबोन किस मायने में कहते हैं जो वो जरा सुन लीजिएगा। आर्टिकल 19 जो है पार्ट 6 भाग में बांटा हुआ है, जिसको हम सब आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल 19 का कर्म है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अर्थात किसी भी नागरिक को, मतलब जो हमारे देश की कोई भी नागरिक है ना, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है। जैसे कि आचार विचार को आप साझा कर सकते हैं लिख कर, बोल कर, कार्टून के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, किसी रूप में आप अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया आपको बोलने की स्वतंत्रता। देख लेकिन इसमें अपवाद क्या है, जैसे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गया तो आप जैसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कोई आदमी को आप गाली दे दिए, कोई आदमी को आप कुछ कर दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा बोलते हैं तो उसकी भी आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहे हैं। और जैसे कि किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया, जैसे पाकिस्तान के साथ आपको युद्ध छिड़ गया, पाक के साथ आपको युद्ध छिड़ गया, पाक के साथ आपको युद्ध छिड़ गया, और आप अपने देश के बारे में उल्टा सुलटा बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको ये अधिकार है जो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये आपको बता दें आर्टिकल 19 के क्रम में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। और आपको ख में आता है सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब आर्टिकल 19 के ख आपको बताता है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के साथ एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता देती हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह स्वतंत्र सभा करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको क्या दिया गया अधिकार भाई भाई, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन सरकारी जमीन पर कर सकते हैं। ना कि आपको अगर अधिकार दिया गया है आपको आदमी के घर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आप कहीं भी आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी पे करना है। अब सरकार इसमें आपको क्या बैरियर डाल सकते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है। जैसे कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं और वहाँ ट्रैफिक की दिक्कत हो गया, वहाँ जाम लग रहा है, वहाँ भाईचारा वगैरह बिगाड़ा, जैसे कि किसी भी आप नेता को देखे होंगे इतना जहर उगलते हैं कि द्वेष फैलने लगता है, राय फैलने की स्थिति आ जाती है, इसके आधार पर मजिस्ट्रेट है जो आपको इस अधिकार को सस्पेंड कर सकता है। हालांकि यह बहुत अच्छी चीज़ है, इसके तहत आप कुछ भी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, क्लब बना। तीसरा आपको हो गया संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार के तहत हमारे देश के सभी नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अर्थात वह कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई संगठन बना सकता है, कोई क्लब बना सकता है, कोई ट्रेड यूनियन बना सकता है, जिसका उद्देश्य कानून में जिसका उद्देश्य समाज में कानून का पालन करना होना। कि आप ऐसा जैसे कोई संगठन बना लिए जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारी दिक्कत साबित हो रहा है। जैसे कि हाल ही में बिहार में सुने हुए दरभंगा में रावण सेना का निर्माण किया गया था, जो कि सरकार के लिए बहुत ही दिक्कत साबित हुई। जैसे कि वह कानून के पालन नहीं करता था वह संगठन, और दूसरों को भी मतलब मर्डर वगैरह कर दिया था। अब आपको क्या हो गया, चौथा में आ गया कि देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपने देश के भीतर स्वतंत्र पूर्वक होकर घूमने फिरने की आज़ादी देता है। इससे क्या होता है कि इससे स्वतंत्र होकर घूमने फिरने से किसी राष्ट्र के प्रति सकारात्मक भावना आएगी, और महापुरुषों के जो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया गया है वो है सफल होगा। हालांकि इसके अंतर्गत है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा निर्णय दिया है, जैसे कि बेस्या लोग हैं ना, बेस्या लोग को घूमने की आज़ादी कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वहाँ लोगों को हेल्थ के प्रति दिक्कत हो सकती है। और ट्राइबल एरियाज वगैरह जैसे आदिवासी क्षेत्र में है, वहाँ आप
घूमने चले गए और जहाँ जैसे जो अपने घर में बिहेवियर करते हैं उनके कस्टम को, उनके जो रीति रिवाज है उस पर जाके आघात पहुँचाते हैं, वहाँ आपको इसमें रोक दे सकता है सरकार कि आपको वहाँ जाकर नहीं घूमने दिया जा सकता है। चौथा है आपको निवास करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको देश के किसी भाग में परमानेंट रूप से, टेम्पोररी रूप से आप सेटल हो सकते हैं। ये क्या हो गया, निवास करने की स्वतंत्रता। हालांकि इसमें भी अपवाद क्या है, जैसे कि आप ट्रैवल एरियाज में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल एरियाज में रहते हैं तो वही वाली बात हो गया कि आप उसके रीति रिवाज को आप ठेस न पहुंचाएं, इसके लिए सरकार यहां ट्रैवल एरियाज में नहीं रहने के लिए बोलती है। और इसके छह में आ गया जो कि छठा है, जीविका चलाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है भाई कि आप अपने जीविका चलाने के लिए कोई भी किसी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो। हालांकि आप जैसे कि जीविका चलाने की स्वतंत्रता मिल गया तो हम चोरी नहीं करने लगेंगे, डकैती नहीं करने लगेंगे, मानव तस्करी नहीं करने लगेंगे। और ये सरकार अगर आप ऐसा करती है तो आपको सरकार की तरफ से आपको जेल भी हो सकती है। ये आपको हमने बता दिया आर्टिकल 19 के बाद अब हम आपको आर्टिकल 20 के बारे में समझाते हैं, जो कि है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। मतलब अगर आप कोई क्राइम कर दे हैं और वहाँ आपको कुछ सजा मिलना है तो इसके अंतर्गत तीन तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत आप तीन तरह की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगी। जैसे कि अगर आपको लोअर कोर्ट से सजा मिल रहा है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको हाई कोर्ट से फिर सजा मिल जाएगा, भले वो सजा है आपको सस्पेंड किया जा सकता है या सजा है जो बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में दो बार सजा आपको नहीं मिलेगी। अब दूसरा आ गया क्या है भाई, दूसरा है आर्टिकल 20 में क्या है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी। मतलब अगर आज 2020 में आप अपराध करते हैं तो 2020 के कानून के अंतर्गत आपको सजा मिलेगा, ना कि 2022 में जो कानून बनेगा उसके अंतर्गत आपको सजा मिलेगी, या 2015 के कानून है उसके अंतर्गत आपको सजा मिलेगी, जो आज का कानून है उसी के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी। तीसरा इसमें आ गया भाई क्या, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के खिलाफ बात नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अपराधी हम ही हैं और हम ही को बात किया जा रहा है कि आप जो क्राइम किए हैं खुद के प्रति आप गैस लीजिए या खुद के प्रति स्वीकार कर लीजिए कि आपने क्राइम किया है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कोई करवाता है आपसे, पुलिस प्रशासन कोई भी हो, तो आर्टिकल 20 का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे कि बहुत जगह क्या होता है ना कि चोर को पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको पुलिस अपने हवालात में उसको वो जो अपराध करता है वही कबूल करवा लेती है और उसको कोर्ट में पेश करना चाहती है, लेकिन कोर्ट में उसको माना नहीं जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 20 के बारे में। अब आपको आर्टिकल 21 के बारे में बताते हैं, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये क्या है भाई कि किसी भी व्यक्ति को जो कानून के द्वारा स्थापित क्रिया है उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत जो अधिकार उसका है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें आओ क्या सब आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन। इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको 14 वर्ष तक की जो स्कूली शिक्षा है वो सरकार के द्वारा मुफ्त आपको दी जाएगी, चाहे कि वो सरकारी स्कूल हो। जैसे कि आजकल देखते हैं ना जो सरकारी स्कूल है वहाँ आपको 14 वर्ष तक, मतलब कक्षा 10वीं तक आपको शिक्षा मुफ्त दी जाती है, राइट टू एजुकेशन हो गया। इसमें प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा क्या दी जाती है, जैसे कि वैसे बच्चे जो बिगर सेक्शन से आते हैं, सोशली बैकवर्ड रहते हैं, उन लोगों को भी 30% लगभग क्लास प्राइवेट स्कूल में कोटा है क्या, या प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवा सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 21 के बारे में हम आपको बता दें। अब देखते हैं अलग क्या आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण। जैसे कि मान लें कि अगर आपको पुलिस पकड़ के लेकर चली गई, अगर मनमाने ढंग से पकड़ के लेकर चली जाती है तो आपको क्या वहां पर भी आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। उस अधिकार के अंतर्गत क्या है भाई कि आपको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। पुलिस आपको मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसको आपको कारण बताना होगा कि किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे आपने हमको गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जो भी आपके मजिस्ट्रेट हैं एरिया के उसके समक्ष पुलिस को आपको प्रस्तुत करना है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसका और बढ़ाया जाए पीरियड जेल में रखने का, तो आपको मजिस्ट्रेट आगे बढ़ा सकती है, अन्यथा आपको रिहा कर दिया जाएगा। आपको इसमें एक और क्या है कि आपको अपने पसंदीदा जो लॉयर है, वकील है, उससे सलाह लेने की छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है।
अगर आप गरीब आदमी हैं, आप वकील हायर नहीं कर सकते हैं, आप वकील अगर नहीं रख सकते हैं, तो सरकार का यहाँ क्या कर्तव्य बन जाता है कि आपके लिए एक अच्छा सा वकील ढूंढ के ला के दे। ये हो गया आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार। अब एक और है, क्या है, निरोध में संरक्षण। ये निरोध में संरक्षण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या हो गया, ये कुछ जैसे कि अपराध को करने के लिए रोकने का ये कानून है। जैसे कि कुछ अपराध में क्रिमिनल टाइप लोग रहते हैं जिनको रोकने के लिए ये कानून अपनाया जाता है। जैसे चुनाव में देखे हैं, चुनाव में बहुत सारे लोग को नज़रबंद कर दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है। ये सभी लोग को कानून, मतलब क्राइम करने से रोकने के लिए कानून उपयोग में लाया जाता है। हालांकि इसमें भी क्या है, इसमें भी अधिकार दिया गया है कि आप उसको 3 महीना से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं। अगर आपको जेल में रखना है तो आपको नियमित रूप से एक बोर्ड बैठाना होगा, उसके क्राइम के बारे में बताना होगा, उसका जो पिछला रिकॉर्ड है वो सब के बारे में आप बता सकते हैं। ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कि देखते हैं ये कन्हैया कुमार हो गया, सहला रशीद हो गए, ये सबको नज़रबंद कर दिया गया था 3 महीने के लिए, फिर बाद में बोर्ड बैठी उसके बाद उसको रिहा की। ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 23 और 24, जिसमें आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है मानव के तस्करी और बंधुआ मजदूर का प्रतिषेध, अर्थात मानव का तस्करी करना, मानव के तस्करी कर उसे गलत कार्यों में लगाना, और बंधुआ मजदूर मतलब उसको ऐसा मजदूर जिसको से काम करवाना लेकिन उसको बहुत ही कम परिश्रमिक देना, उसको एक बंधुआ की तरह रखना, जैसे कि अंग्रेजों के शासनकाल में पहले होता था। इसका निषेध किया गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 के अंतर्गत अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको सजा भी मिल सकती है। अब आगे आर्टिकल 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब आप किसी भी ऐसा बालक जिसको आप नौकरी पर रखते हैं इसमें प्रतिषेध है, अगर आप ऐसा करते पाए गए तो इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा गाइडलाइन है कि अगर बालक 14 बरस के नीचे का भी है, अगर बालक 14 बरस के नीचे का भी है और वैसा कार्य कर रहा है जिससे कि उसको स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वैसा कार्य कर सकता है, वैसे कार्य के लिए मनाही नहीं है। हालांकि दूसरे कार्य जैसे कि और फैक्ट्री वगैरह में काम हो गया, वहाँ अगर आप 14 वर्ष के नीचे के बालक से काम करवा रहे हैं तो वहाँ आपको पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जिसमें मानव के तस्करी और बंधुआ मजदूर का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मैंने बालकों से काम नहीं लेना है ना काम करवाना है, अगर आप काम करवा भी रहे हैं तो ऐसा काम करवाइए जिससे उसके हेल्थ पर प्रभाव नहीं पड़े, उसके ग्रोथ पर प्रभाव नहीं पड़े। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में देखेंगे आगे क्या है आर्टिकल 25 से। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।